हमारे देश में कई ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने देश को आजादी दिलाने में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। इन महापुरुषों ने देश को अंग्रेजों की सत्ता से ही नहीं बल्कि अंग्रेजी मानसिकता से भी आजाद कराया और भारत को भारतीय दर्शन और भारतीय परंपरा से रूबरू कराया। इनमें से कई नेता ऐसे भी थे जो जीवन भर उन मूल्यों की रक्षा और प्रचार के लिए काम करते रहे जिन मूल्यों के आधार पर हमें आजादी नसीब हुई थी। ऐसे ही एक महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और राजनेता थे जीवटराम भगवान दास कृपलानी, जिन्हें हम सब आचार्य जेबी कृपलानी के नाम से जानते हैं। कृपलानी ने देश को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान तो दिया ही, आजादी के बाद भी भारत को विकास के मार्ग पर ले जाने का काम भी उसी जज्बे के साथ बड़ी सरलता और कुशलता से किया। जीवटराम भगवान दास कृपलानी का जन्म 11 नवंबर 1888 में हिंदू क्षत्रिय परिवार में सिंध प्रांत के हैदराबाद में हुआ था। पिता काका भगवान दास सरकारी विभाग में राजस्व और न्यायिक अधिकारी थे। परिवार बहुत बड़ा था, घर में 8 बच्चे थे और जेबी कृपलानी छठी संतान थे। शुरुआती शिक्षा सिंध के स्कूल में पूरी करने के बाद कृपलानी ने आगे की पढ़ाई तत्कालीन बंबई के विल्सन कॉलेज से की। पढ़ाई के दौरान वे अंग्रेजी की कविताओं को खूब पढ़ते और पसंद करते थे, लेकिन गुलामी की वजह से वो अंग्रेजों से बहुत नफरत करते थे। जब वे कॉलेज में थे तभी अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल विभाजन की वजह से उनके मन में अंग्रेजों के प्रति क्रोध और भी बढ़ गया। कॉलेज के दिनों में बंगाल विभाजन का विरोध करने की वजह से उन्हें बंबई से हटाकर कराची के डीजे सिंध कॉलेज में पढ़ने के लिए भेज दिया गया ताकि वे वहां रहकर शांति से पढ़ाई कर सकें। हालांकि कुछ दिनों बाद उनका दाखिला पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज में हो गया, जहां से 1908 में उन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी की और 1909 में इतिहास में एमए की डिग्री हासिल की। स्कूली दिनों से ही बाल गंगाधर तिलक के विचारों से प्रभावित कृपलानी एमए करने के बाद भविष्य के बारे में सोच ही रहे थे। तभी एक मित्र के जरिए उन्हें बिहार के मुजफ्फरपुर में स्थित जीबीबी कॉलेज, जो अब लंगट सिंह कॉलेज के नाम से जाना जाता है, में पढ़ाने का ऑफर मिला। कृपलानी ने आवेदन भरा और साल 1912 में उनकी नियुक्ति जीबीबी कॉलेज के इतिहास विभाग में प्राध्यापक के तौर पर हो गई। पतले दुबले शरीर के कृपलानी विचारों से बेहद ही मजबूत और दृढ़ थे। अपने विनम्र स्वभाव और पढ़ाने की अद्भुत कला शक्ति की वजह से विद्यार्थियों के बीच बेहद लोकप्रिय थे। अनुशासन प्रिय कृपलानी कक्षा में जितने सख्त थे उतने ही विनम्र और मिलनसार कक्षा के बाहर थे। यही वजह थी कि बच्चे उन्हें प्यार से दादा कहकर बुलाते थे। कॉलेज में आने का अपना मकसद बताते हुए उन्होंने लिखा था कि मैं यहाँ नौजवानों में देश के लिए प्रेम और इसकी सेवा के लिए इच्छा पैदा करने के साथ ही उन्हें आज़ादी के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करता था। पढ़ाई के दौरान विद्यार्थियों से देश की समस्याओं के बारे में जानने के लिए प्रेरित करते हुए उन्हें ये बताता था कि कैसे विदेशी शासक देश को बर्बाद करने में लगे हैं, उद्योगों को चौपट कर रहे हैं और जनता का शोषण कर उन्हें असहाय बना रहे हैं। कृपलानी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और स्वामी रामतीर्थ के लिखे लेखों और उनके संदेशों को भी विद्यार्थियों के बीच सुनाते थे, जिससे उनमें देश के प्रति कुछ करने का जुनून पैदा हो। आजादी के दीवाने आचार्य कृपलानी कॉलेज में पढ़ाने के दौरान भी स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय लोगों की जी जान से मदद करते थे। इनमें बंगाल से आए क्रांतिकारियों को सुरक्षित स्थान मुहैया कराने से लेकर आर्थिक मदद तक शामिल था। आजादी के लिए कुछ कर गुजरने की चाह ऐसी थी कि पढ़ाने के लिए जो भी वेतन उन्हें मिलता उसका एक बड़ा हिस्सा वो राष्ट्रहित में खर्च कर देते थे और मात्र कुछ रुपयों में अपना गुजारा करते थे। साल 1912 से 1917 तक कृपलानी लंगट सिंह कॉलेज में अध्यापन का कार्य करते रहे। जब चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी मुजफ्फरपुर पहुंचे तब कृपलानी से उनकी मुलाकात हुई।
हालांकि गांधी जी से वे पहले भी मिल चुके थे, लेकिन चंपारण सत्याग्रह के दौरान हुई मुलाकात के बाद वे गांधी जी से बेहद प्रभावित हुए और वहीं से उनकी जीवन का दूसरा अध्याय शुरू हुआ। गांधी जी भी कृपलानी के साधारण जीवन और देश के लिए त्याग की भावना देखकर बेहद प्रभावित हुए। गोरी हुकूमत की तमाम चेतावनियों के बावजूद कृपलानी ने गांधी जी को कॉलेज परिसर में रुकने की व्यवस्था की, साथ ही उन्हें चंपारण के किसानों की दयनीय स्थिति की जानकारी भी दी। अंग्रेजी शासन के घोर विरोधी और अंग्रेजों के जुल्म से चंपारण के किसानों को मुक्त कराने के मकसद से कृपलानी ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की हर तरह से मदद की। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी का साथ देने की वजह से 1917 में अपनी अच्छी खासी प्रोफेसरी की नौकरी भी छोड़नी पड़ी। लेकिन जिसके दिल में आजादी की चाह और सपना हो, उसके लिए भला नौकरी क्या चीज। गांधी जी के कहने पर कृपलानी चंपारण सत्याग्रह में शामिल हो गए। यहाँ से कृपलानी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उनका हर कदम राष्ट्र सेवा के लिए उठा। राजनीति राष्ट्र सेवा का जरिया मात्र थी। राष्ट्र सेवा के लिए वे खादी का गट्ठर उठाकर गलियों गलियों घूमे भी, और जब जरूरत पड़ी तो वो देश की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष भी बने। गांधी से नाता जुड़ने और उसके बाद उनके साथ एक लंबा वक्त रहने का जो दौर चंपारण से शुरू हुआ, वह उनके जीवन भर बना रहा। कृपलानी चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी के महज सहयोगी ही नहीं रहे, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के एक जाने माने चेहरे के रूप में उभरे और पूरी उम्र अपने स्वभाव और आदर्शों के साथ जिए। चंपारण सत्याग्रह के बाद साल 1919 में कृपलानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर नियुक्त हुए। हालांकि वहां वे एक ही साल रहे, लेकिन एक साल के अंदर ही उन्होंने विश्वविद्यालय में कभी ना कम होने वाला प्रभाव छोड़ा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापन के दौरान ही वो सुचेता मजूमदार के संपर्क में आए। वहीं दोनों में नजदीकियां बढ़ी और तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद 1936 में दोनों ने शादी कर ली। हालांकि बाद में हालात ने ऐसी करवट ली कि दोनों विरोधी दलों में शामिल हो गए। दोनों रहते तो साथ थे, लेकिन एक कांग्रेस में रहा तो दूसरा आजीवन कांग्रेस विरोध की राजनीति करता रहा। सुचेता कृपलानी ने भी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आजादी के बाद भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। सुचेता कृपलानी अक्टूबर 1963 से मार्च 1967 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। उग्र राजनीति स्वभाव के आचार्य कृपलानी ने राष्ट्रीय आंदोलनों में हमेशा पूरी सक्रियता से हिस्सा लिया और महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। 1920 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया तो उसमें भाग लेने के लिए आचार्य कृपलानी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की नौकरी छोड़ दी। इसके बाद 1922 में वो गुजरात विद्यापीठ के प्राचार्य बने और 1927 तक वहीं रहे। वहीं से उनके नाम के साथ आचार्य जुड़ गया और वे आचार्य जेबी कृपलानी के नाम से मशहूर हो गए। 1920 के बाद आचार्य कृपलानी ने आजादी की लड़ाई के लिए गांधी जी द्वारा चलाए गए सभी बड़े आंदोलनों में हिस्सा लिया और लोगों को अंग्रेज सरकार के खिलाफ लड़ाई के लिए प्रेरित करते रहे। इसके लिए उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के भीतर भी उनका कद बढ़ता रहा। 1934 से 1946 तक कांग्रेस के वे महासचिव भी रहे। राष्ट्र प्रेम का जज्बा और आजादी के आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की बदौलत उन्हें कांग्रेस में लगातार महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलती रहीं। उनके काम और समर्पण को देखते हुए नवंबर 1946 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया और जब देश आजाद हुआ तब कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य जेबी कृपलानी ही थे। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आजादी मिलने के बाद जब प्रधानमंत्री बनने के लिए वोटिंग हुई तो सरदार पटेल के बाद कृपलानी को ही सबसे ज्यादा मत मिले थे। हालांकि बाद में गांधी जी के कहने पर सरदार पटेल और आचार्य कृपलानी ने अपना नाम वापस ले लिया और तभी जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच पाए।
आजादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ ही आजादी मिलने के बाद संविधान सभा के सदस्य के रूप में भारत के संविधान के निर्माण में भी आचार्य कृपलानी ने प्रमुख भूमिका निभाई। वे संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की उपसमिति के अध्यक्ष थे। आचार्य कृपलानी ने मूल्यों और सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। आजादी के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष रहते हुए जब उन्हें लगा कि सरकार कांग्रेस अध्यक्ष को उतनी प्रमुखता नहीं दे रही जितनी उसे मिलनी चाहिए और सरकार के किसी भी कामकाज में उनसे सलाह नहीं ली जा रही है, तो उन्होंने प्रस्ताव रखा कि सरकार के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों में पार्टी का मत लिया जाना चाहिए। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कृपलानी के इस सुझाव को नकार दिया। नेहरू ने जब कृपलानी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, तब कृपलानी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद से नेहरू और कृपलानी के बीच संबंध बिगड़ते चले गए। इस बीच 1950 में कृपलानी ने एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, लेकिन सफल नहीं हो पाए। अपनी हार से और गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपने को टूटते देखकर वे काफी विचलित हो गए और उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर जून 1951 में किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया। आगे चलकर 1952 में किसान मजदूर प्रजा पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी मिलकर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बन गई और आचार्य जेबी कृपलानी उसके अध्यक्ष बने। इससे पहले कांग्रेस में रहते हुए ही उन्हें लगा कि कांग्रेस गांधी के विचारों और सिद्धांतों से भटक रही है। तब 1950 में कृपलानी ने आर्थिक सामाजिक मुद्दों और गांधी के विचारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विजिल नाम से एक साप्ताहिक पत्रिका भी शुरू की थी। भारत के सामाजिक आर्थिक उत्थान के प्रति उनका पूरा समर्पण था। उन्होंने मूल्यों और नीतियों से कभी समझौता नहीं किया और बिना किसी से डरे अपनी बात कही, और यही बात उन्हें एक अलग व्यक्तित्व प्रदान करती थी। एक बार कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद आचार्य कृपलानी जिंदगी भर विपक्ष में ही रहे और फिर कभी कांग्रेस में शामिल नहीं हुए। आजादी के बाद 1952 में हुए पहले लोकसभा चुनाव कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी के टिकट पर लड़ा, लेकिन हार गए। हालांकि एक साल बाद ही 1953 में लोकसभा के लिए हुए उपचुनाव में वो विजयी रहे और पहली बार संसद पहुंचे। इसके बाद वो 1957, 1963 और 1967 के आम चुनाव में जीत हासिल कर लोकसभा पहुंचे। चार बार लोकसभा सांसद रहने वाले कृपलानी ने संसद में हर मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया और विपक्ष की आवाज बुलंद की। भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं के इतिहास में आचार्य कृपलानी का नाम इसलिए भी हमेशा याद किया जाएगा कि वो पहले व्यक्ति थे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ 1963 में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे। इससे पहले कभी किसी विपक्षी नेता ने इस बारे में सोचा तक नहीं था। इस अविश्वास प्रस्ताव को संसद में आचार्य कृपलानी ने चीन से युद्ध हारने के बाद पेश किया था। हालांकि कांग्रेस का बहुमत होने के नाते अविश्वास प्रस्ताव गिर गया, लेकिन सांकेतिक तौर पर इसका असर काफी गहरा था। नेहरू की नीतियों और उनके प्रशासन के घोर विरोधी रहे आचार्य कृपलानी ने बाद में निर्दलीय राजनीति करते हुए अपना जीवन सामाजिक कार्यों और पर्यावरण के संरक्षण में लगा दिया। चुनावी राजनीति में बने रहते हुए भी वे धीरे धीरे समाजवादियों के आध्यात्मिक नेता जैसे बन गए। विनोबा भावे के साथ साथ आचार्य कृपलानी भी 1970 के दशक के अंत तक पर्यावरण और अन्य क्षेत्रों के संरक्षण में लगे रहे। पंडित नेहरू की नीतियों में जहां उन्हें गांधीवादी सिद्धांतों से भटकाव दिखता था, वहीं इंदिरा गांधी के शासन में उन्हें लोकतंत्र कम और अधिनायकवाद ज्यादा दिखता था। यही वजह थी कि नेहरू के बाद आचार्य कृपलानी इंदिरा गांधी के भी उतने ही कट्टर विरोधी थे जितने जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया थे। इंदिरा गांधी के खिलाफ भी उन्होंने कई मौकों पर विरोध किया। साल 1972-73 के दौरान आचार्य कृपलानी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बढ़ती निरंकुश सत्तावादी नीति के खिलाफ अनशन किया। कृपलानी और जयप्रकाश नारायण मानते थे कि इंदिरा गांधी का शासन अधिनायकवादी हो गया है और देश हित के लिए उस पर रोक लगाना जरूरी है।
इसलिए आचार्य कृपलानी ने जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया के साथ पूरे देश की यात्रा की और लोगों से अहिंसक विरोध और नागरिक अवज्ञा करने का भी अनुरोध किया। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में काला दिन कहे जाने वाले 25 जून 1975 को जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू किया, तब आचार्य कृपलानी सबसे पहले गिरफ्तार किए जाने वाले नेताओं में शुमार थे। कृपलानी की उम्र उस समय करीब 87 साल की थी। कृपलानी आपातकाल के सबसे बड़े आलोचक और प्रखर विरोधी थे। आपातकाल को लोकतंत्र की जड़ पर हमला मानने वाले कृपलानी ने आपातकाल के बाद जनता पार्टी को सत्ता में लाने के लिए कड़ी मेहनत की। यही नहीं, उन्होंने 1977 में जनता सरकार के गठन में भी अहम भूमिका निभाई। आपातकाल के बाद हुए लोकसभा चुनाव में जब देश की जनता ने इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी को नकार दिया और जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए बहुमत दिया, तब प्रधानमंत्री पद के लिए 3 दावेदार थे, मुरारजी देसाई, जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह। उस वक्त जनता पार्टी संसदीय दल के नेता चुनने का अधिकार जयप्रकाश नारायण और आचार्य जेबी कृपलानी को सौंप दिया गया था। तब दोनों बुजुर्ग नेताओं ने प्रधानमंत्री पद के लिए मुरारजी देसाई के नाम पर मुहर लगाई थी। स्वाधीनता आंदोलन में लगातार सक्रिय रहने के बावजूद आचार्य कृपलानी के भीतर का शिक्षक और लेखक हमेशा जिंदा रहे। गांधीवादी दर्शन के एक प्रमुख व्याख्याता के तौर पर उन्होंने गांधी के जीवन दर्शन और सिद्धांत से लेकर राजनीतिक सामाजिक विषयों पर अनेक पुस्तकें लिखी। उनकी लिखी पुस्तकों में गांधी जीवन और दर्शन, गांधी दर्शन, गांधी मार्ग, अहिंसक क्रांति, सर्वोदय और लोकतंत्र, सर्वोदय और पंचवर्षीय योजना, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, द फ्यूचर ऑफ द कांग्रेस, फ्रीडम इन पैरल, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा, वर्ग संघर्ष, 54वें कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षीय भाषण, तिब्बत योजना, गांधी की कसौटी पर, गांधी एक राजनैतिक अध्ययन। इन सब के अलावा अपने आखिरी दिनों में उन्होंने अपनी आत्मकथा माई टाइम्स लिखी। माई टाइम्स में आचार्य कृपलानी ने भारत को विभाजित करने की योजना स्वीकार करने के लिए गांधी जी लोहिया और खान अब्दुल गफ्फार खान को छोड़कर बाकी सभी कांग्रेस नेताओं को देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार ठहराया है। करीब 7 दशकों तक राजनीति में सक्रिय रहते हुए आचार्य कृपलानी ने परिस्थितियों से कभी समझौता नहीं किया। यहां तक कि जिस पार्टी में रहकर आधे से अधिक जीवन गुजार दिया, उससे भी विचारों में समझौता नहीं किया। लेकिन जब लगा कि शरीर थक रहा है, तब उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की। 90 साल की उम्र में जब 1978 में आचार्य कृपलानी ने राजनीतिक जीवन से संन्यास लेने की घोषणा की, तो वो भी शर्त के साथ थी। उन्होंने कहा था कि यदि जनता को जरूरत पड़ी तो मैं फिर से राजनीति के मैदान में कूद पड़ूंगा। आचार्य कृपलानी का देश सेवा का ये जज्बा उन्हें महान देशभक्तों की पहली कतार में खड़ा करता है। हालांकि राजनीति से संन्यास लेने के 4 साल बाद ही 93 साल की उम्र में 19 मार्च 1982 को इस महान राजनेता और देशभक्त का निधन हो गया। उनके निधन के बाद उन्हें सम्मान देने के लिए 1989 में भारतीय डाक विभाग ने उनकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया।